परम सत्कार योग सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती है, अपार रहमतां वरताईयां ने, जो कि सत्कार योग संत बाबा प्रताप सिंह जीआं दे उद्यम उपराले सदका आप समूह संगतां दे सहयोग नाल भगत धन्ना जी उन्हां दी 600 साला जन्म शताब्दी नूं मुख रखदिआं होइआं और नानकसर संपर्दा दे बानी महापुरख धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज, धन धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, उन्हां दी पावन पवित्र याद नूं समर्पित ये महान गुरमत समागम कल दे दिन तो आरंभ होए ने। अज अमृत वेले तो लैकर के आप बड़े लंबे समय तो गुरु साहब जी की हजूरी विच जुड़ बैठे हो। बेअंत सतगुरां दे दरों घरों वरों आए हुए जथियां पासों आप जी ने गुरु घर दियां विचारां सरवण कीतियां। हुण यह समागम जिहड़ा अज दिन का दीवान बिल्कुल आखिरी पड़ाव विच पहुँच गया है ते आप जी ने हुणे हुणे सत्कार योग कवि सहवाना तो साध संगत कवि दरबार उन्हां दियां प्रेम विच भिजियां होईयां दिल नूं टुंबण वालियां रचनावां सरवण कीतियां ने। कलगीधर पातशाह का इतिहास साहबजादियां दी महान शहादत नूं आप जी ने ऐसा प्रेम विच परो के कलमबंद किया, भावना वालियां दे हिरदे बलुंदरे जांदे ने। तो समा माहौल ऐसा सिरजिया गया क्योंकि हुण समा भी काफ़ी हो गया, लम्मी विचार करन दा ते समा नहीं है। आपां रात दे दीवान विच साध संगत जो कि 7 तों लैके 10 बजे तक दीवान सजणगे, आप समूह संगतां ने रात्री दे दीवान विच भी हाजरी भरनी, क्योंकि जिहड़ा समा भागां नाल मिलदा है, कर्मां नाल मिलदा, कम कार धंधे धंधार ते आपां सारा जीवन करदे ही रहना। ये घड़ियां वह ने जिहड़ियां घड़ियां साध संगत दरगाही घड़ियां होया करदियां ने। सो माहौल ऐसा बन गया आखिरी पड़ा दे विच आके बाबा जी का हुक्म हो गया कि मां गुजरी वाली कविता पढ़ के आपां समाप्ति कर देनी है। बस 20 मिनट वास्ते आप जी ने इसे तरह प्यार का सबूत देना, सारे प्यार नाल पढ़ियो, कोई भी रसना वांझी ना। संगते नी मेरा नाम गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, एक वारी नहीं कई थां गुजरी, संग तेरी मेरा नाम गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, गुजर गुजर के गुजरी हां, एक वारी नहीं कई थां गुजरी।
ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰਾ ਨੌ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਗਿਆ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਉਮਰਾਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ
ते मैनू विधवा होना मंजूर है। ते बालक गोविंद राय जी कह लगे पिता जी जे मेरे कले दे नाथ होने नाल हिंदुस्तान के लखां बच्चे अनाथ होनों बजदे ते मैनू अनाथ होना मंजूर है, अनाथ होना मंजूर है। कहिंदी मेरा बेटा 9 साल दा ही सी जदों असीं दोवां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं हिंदू धर्म की रखिया वास्ते दिल्ली नूं तोरिया। कहन लगी वो चले गए जालमा ने वो भाणा वरताया जुल्म किया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कुर्बानी देती बलिदान हो गया। भाई जैता जी सतगुरां दा सीस लैके पेंडा तय करदा करदा जदों आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचिया ना बालक गोविंद राय दे हत्थां विच लिया के फड़ाया। मेरे पुत्र ने मत्था टेकिया नमस्कार कीती दर्शन कीते फिर कहिंदी ओ सीस दे दर्शन माता नानकी जी कर रहे ने। जदों माता नानकी जी ने दर्शन किए ना अपने पुत्र का सीस धर नालों जुदा होया तकिया दर्शन करके कहती है वह जालवा ने जोर ला लिया जोर ला लिया पर मेरे पुत्र के चेहरे की मुस्कान नहीं हो सके। आखो सतना जोर ला लिया जालवा ने पर मेरे पुत्र दे चेहरे की मुस्कान नहीं खो सके। कहिंदी उन्हां तों बाद फिर वारी आई मेरी मैं अपने पति का सीस धड़ नालों जुदा होया तकिया। कहिंदी जदों ओ घड़ियां मेरे ते आईयां ओ समा मेरे ते आया ओ समा भी फिर सानू याद करा रहे ने भी उदों मेरे ते की बीती ओ समय नूं मैं अपने आप ते किवें हंडाया। मेरा 9 साल का पुत्र सी जदों पति धर्म लई लड़न गया ओ दिल्ली शहर दे राहां ते धर्म दी रखिया करन गया। जदों तकिया सी लड़ते
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕੱਟੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦਸ ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਦਸ ਲੱਖ ਫੌਜ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ ਫਟੜ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰੀ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਇਹੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
तेरा बोधी कचहरी लगनी सी तेनी मैं फिर सारी रात बच्चियां नू समझाउंदी रही बच्चियो डोल ना जायो इम्तिहान का समा बड़े तकड़े पेपर पै गए पास होना है पास होके दिखाना सूरमे बनना डोल ना जायो कहते बापू की चिट्टी चादर नू दाग ना ला दे दाग ना ला दे तुहानू डराया जाना धमकाया जाना बड़े बड़े लाल दिते जाने ने पर तुसी सूरमे बनना सूरमे कहते ने भी सारी रात अजे दिन का चढ़ाई होया सी ज्यों ही दिन का चढ़ा होया एक बड़ी भयानक जी आवाज धन माता गुजरी जी के कन्ना विच आके पई वो आवाज की सी माता बच्चियां नूं तैयार कर दे कचहरी लैके जाना छोटिया छोटिया मासूम जिंदा छोटे छोटे लाल मां नूं होवे पता अज मेरे लाला ने चले जाना ते मुड़ के वापस नहीं आना ते जदों साध संगत को भयानक आवाज दादी मां दे कन्ना विच पई होनी आ माता बच्चा नूं तैयार कर दे कचहरी लैके जाना जरा सोच के ते वेखो दिल उदो मां ते की बीती होनी आ समय नूं अपने आप ते किवें हंडाया होना किवें उस मां ने सबर दा घुट भरिया होना केसरी दुपट्टे विच गुजरी लकोई बैठी पुत्र दे पुत्र प्यारे करक जाए रब करके बेदर्द मुगल सरकार कहते सुबह होंगे सार आवाज मार ली छुपाई ने एक नाल लाले लाल मुटड़ी जी माई ने कहते जो ही कहते छुपाई ने आके आवाज मारी ना माता कल बच्चिया तैयार कचहरी लैके जाना कहने माता ने दोवां घुट के अपनी छाती नाल ला लिया सुबह होंगे सार आवाज मार ली छुपाई ने एक नाल लाले लाल बुढ़ी जी माई ने कदे फतेह सिंह कदे जोरावर ताई दादी कालजे ना लाके हिक ठारे करक जाए रब करके बेदर्द मुगल सरकारे कहिंदे ज्यों ही आवाज कन्ना विच पई माता गुजरी जी ने घुट के छाती नाल लाया कदे जोरावर सिंह वली वेखदी है कदे फतेह सिंह वली वेखदी है प्यार दिता अपने हथी सजाया वस्त्र पहनाए जद तोड़ती है ना बच्चे भी जाती वार का मता दादी मां नूं देखदे ने ते कहिंदी बच्चे ओ जिहड़ी मैं सिक्ख्या दित्ती ओ भुल ना जायो सारी रात जो तुहानूं सबक पढ़ाया ओ याद रखियो हाथ कड़ी वाली बांह करके उतानू सबरी तसली देंदे दादी इस मां नूं कहिंदे हाथ कड़ी वाली बांह उपर करके ना दादी मां नूं तसली देंदे ने हाथ कड़ी वाली बांह करके उतानू सबरी तसली देंदे दादी इस मां नूं साडे ते यकीन रखी असी नहीं ओ डोलदे मां असी दसमेस दे दलारे करक जाए रब करके बेदर्द मुगल मां यकीन रखी असी डोलांगे धर्म ते खरे करांगे ओ समा भी माता गुजरी जी सानू याद करा रहे ने मैं ठंडे बुरज विच
चुप जायो इतनी हो सब सुखावी रही ओ निहाल खड़े शहीद होए ओ निहाल खड़े शहीद होए साहब का जाप होएगा उस तो उपरंत अरदास हुक्मनामे कड़ा प्रसादी देग वरतेगी फिर जो रोजाना नानक सर दी मर्यादा अनुसार सुबह शाम कीर्तन की ड्यूटी होंदी है शामा की ड्यूटी का कीर्तन इत्थे ही आरंभ हो जाएगा उस तो बाद रहरा साहब का जाप ते 7 बजे दोबारा दवान की शुरुआत हो जानी है 7 तो लैके 10 बजे तक रात को फिर भाई दवान सजणगे सो संगतां जल पानी छक के कम कर संकोच के जरूर दर्शन देने की कृपालता करनी हाजरियां भरनियां सो कल नूं भाई 10 बजे तो लैके 3 बजे तक फिर इसी तरह दिन के समागम चलणगे जिथे सारी दिहाड़ी समागम चलने ने उत्थे अमृत संचार भी हो रहा है सो संगतां नूं बेनती है जिथे आपां समागमां विच हाजरियां भर के लाहे लै रहे हां उत्थे भाई अमृत दी दात प्राप्त करके भी आपां कलगीधर पातशाह दीआं खुशियां लैणियां ने क्योंकि बड़ा लम्मा समां हो गया आपां दिन पुर रात इक करके महापुरखां दे उपराले सदका समागमां विच हाजरियां भरदे हां ते साध संगत किसान जिहड़ा ओह जदों खेती करता है ना समय अनुसार पानी दिंदा गोडी करता हर तरह की सांभ संभाल फसल नूं पालदा है पर पता उदों लगता है जदों झाड़ निकलता है तो सानू भी उदों खुशी हुंदी है ये समागम करवाया दी जदों वध तों वध संगतां भाई अमृतधारी हुंदियां खंडे वाटे की दात प्राप्त करदियां सो वध तों वध संगतां ने अमृत की रात प्राप्ति करनी है मन बनाओ कल नूं अमृत संचार होना है खंडे वाटी की दात प्राप्त करके सच्चे पातशाह दीआं खुशियां प्राप्त करो सो 7 बजे दोबारा दवान की आरंभता होएगी संगतां ने दर्शन देने की कृपालता करनी आओ आनंद साहब का जाप करके समाप्ति करिए जिन्हां संगतां अमृत वेले तो हाजरियां भर रही सब नूं जीओ आया बहुत बहुत धन्नवाद है कोटान कोट शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज।
राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुर का पाया सहज से मन बनिया पाया प्राकृत सुदवार पढ़िया शब्द गाओ सतगुरु का गावो हरे कृपा मन की बसाया रह नाम को आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया मन मेरे आप सदा रहो हर नामे परमल रो तुम मन मेरे रूप संसारो करे तेरा अंज सब सवार गला सुन रामी सो तो मनो सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर हरदा तेरा सब कुछ है जैसे तो पावे सत सला राम जिन मन बसया वाके सब धर्म पाया तो से नाम हर के लागे मन पाग्यो सगल पूरे ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤਾ ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।